Hello friends, you are watching Asha Naturecure. Click on subscribe button and press bell icon for latest updates. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपाली गुप्ता, नेचुरोपैथी फिजिशियन। आइए आज हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल 3 टाइप्स के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो उसे हम HDL बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को LDL बोलते हैं एंड ट्राइग्लिसराइड्स हार्ट डिजीजेस का सबसे बड़ा कारण कोलेस्ट्रॉल को माना जाता है। यह एक तरह का फैट है जो हार्ट की ट्यूब के अंदर डिपॉजिट होता है और इस प्रकार डिपॉजिशन से धीरे धीरे वो हार्ट ट्यूब को ब्लॉक कर देता है। यही एक महत्वपूर्ण कारण है हार्ट अटैक होने का। हार्ट अटैक से बचने के लिए कोलेस्ट्रॉल को कम करना बहुत जरूरी है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें तो टोटल कोलेस्ट्रॉल की रेंज 130 मिलीग्राम पर डीएल से 200 मिलीग्राम पर डीएल तक होती है। कोलेस्ट्रॉल को विद इन लिमिट्स में रख के आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो इससे बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल का जो फूड सोर्स है उसे बंद करना। आइए अब जानते हैं उन्हीं सोर्सेस के बारे में, जैसे कि एनिमल फूड। जानवर से बने हुए हर फूड में कोलेस्ट्रॉल होता है, इसीलिए रेड मीट, चिकन एंड सभी एनिमल फूड्स को खाना बंद करना चाहिए। अब हम जानते हैं HDL गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉकेजेस के अंदर जाके निकाल के लेके आता है, इसीलिए HDL कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखना चाहिए। HDL अगर 40 से ज़्यादा है तो अच्छा माना जाता है। ये टोटल कोलेस्ट्रॉल का 25% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 200 है, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 है, तो आपको HDL 50 से ज़्यादा होना है। गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स शामिल कीजिए और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाइए, जैसे कि वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके हार्ट डिजीजेस के लिए, तो स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने के लिए मेडिटेशन अपनाइए और स्मोकिंग बंद कर दीजिए। एंड वॉकिंग इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर गुड कोलेस्ट्रॉल। वॉकिंग से बेस्ट कुछ नहीं है अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में, जो कि एक और कारण है हार्ट डिजीजेस का। जो भी ऑयल्स, तेल जैसे कि पीनट ऑयल, रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल हो, सभी में ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट होता है। अगर इसकी नॉर्मल वैल्यूज में बात करेंगे तो इसकी रेंज होती है 100 टू 160 मिलीग्राम पर डीएल। हार्ट अटैक से बचने के लिए ट्राइग्लिसराइड्स को बिलो 100 रखें। अपने भोजन में तेल का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, हो सके तो ऑयल फ्री भोजन लें। मिनिमाइज द रेड मीट टू कीप अ हेल्दी हार्ट बीट। अपनी हार्ट बीट को हेल्दी रखने के लिए नॉन वेज बंद कर दीजिए एंड रेड मीट बंद कर दीजिए। सो बी हेल्दी, बी हैप्पी, कीप वॉचिंग अवर चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। बाय बाय।